हेलो ओके हेलो एवरीवन, हाय। नमस्ते। मैं अजीत कुमार, जयपुर से फायर आर्टिस्ट। और आप लोगों को क्या बोलूँ, तो अब हाँ आप लोगों को तो बताइए फायर अजीत आर्ट। जी जयपुर से है। हम जानते हैं कि थोड़ा लेट हो गया है, पर हमारा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा पुअर है, तो आई होप यू वुड कोऑपरेट विथ अस। आप हमारे साथ कोऑपरेट, हमारा प्रयत्न है कि अजीत भाई का जो बेस्ट आर्ट है वो आप सबको दिखे। सो हेलो, वेलकम यू एवरीवन। अजीत जी हमारे साथ लाइव है। अब हम अजीत जी से बात करेंगे और बात करते करते वो हमें अपना पूरा आर्ट दिखाएंगे। सो अजीत जी, हम शुरू बिल्कुल करते हैं आपका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। मैं आपको पूरा स्क्रीन दे रही हूँ और साथ साथ में हम बातें करते रहेंगे, ठीक है? करें शुरू? ठीक है अजीत जी, तो हमें आपका आर्ट दिखाइए प्लीज। थैंक यू सो मच। ओके वेलकम। चलिए आज आपको आर्ट दिखाता हूँ। हाँ मैं ये लकड़ी हाँ इधर दिखाना, ये हाँ मैंने पहले चिपका के रखी है लकड़ी के प्लाई हाँ बोर्ड पे। ये बुरादे हैं, दिख रहे हैं हाँ आपको? यस ये हाँ पहले दिख रहा है। पेस्ट किया जाता है, 2-3 दिन लगता है। अच्छा तो मैंने पहले से ही आपके शो के लिए मैंने एक तैयार करके रखा है, हाँ, तो बुरादे हैं अजीत जी आप इसीलिए। ये जो लगाते हैं वुडन के सरफेस पे, वो कैसे चिपकाते हो? फेविकोल से चिपकाते हो क्या? ये फेविकॉल को पहले वुडन पे वो फैला दीजिए अच्छी तरह से, हाँ और फिर इसको छन्नी से उससे फैला लीजिएगा अच्छी तरह से, अच्छा है अच्छा ठीक है ठीक है। ना, तो ताकि अच्छी हाँ तरह से फैल जाए। फिर आप किसी चीज को दबा के उसको हाँ भूल जाइए फिर 2-3 दिन। ठीक है। फिर अगले दिन उसको झाड़िए तो आपको लगे, फिर हाँ लगेगा कि अरे हाँ चिपक गया ये। तो फिर हाँ चिपकने के बाद ये देखिए ऐसा हो गया, अब ये झड़ेगा नहीं इतना, अच्छा ठीक हाँ, है। तो मतलब उसके बाद फिर कि आप शुरू करने कारकुन से से, पहले हाँ 3 दिन पूरा पूरे चाहिए हमें हमारा कैनवास प्रिपेयर करने के लिए, एक दो दिन ठीक तो है? लग 2-3 दिन तो लगते हैं मेरे को, क्योंकि आप प्लाई लाएंगे फिर हाँ उसको चिपकाने का ही मेन प्रोसेस है इसका, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसको चिपकने में। फेविकॉल हाँ सूखता है हाँ पूरा, और फिर अच्छी हाँ तरह से हाँ फैला लीजिएगा पहले फेविकॉल हाँ चारों तरफ, हाँ ठीक है है ठीक है। ना। हाँ ठीक है, फिर फिर ये बिल्कुल क्या देखिए करना ऐसा है? लग रहा है पूरा कैनवास है, हाँ दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। और फिर इसके ऊपर कोई ड्रॉ कीजिए, जैसे ये ब्लू टर्न टॉर्च होता हाँ है, गैस है, ये हाँ फायर के काम में आता है। और बारीक काम हाँ के लिए मेरे पास ये एक छोटा सा सिलेंडर है। अच्छा तो ये जो है ये जी आपको एक, ये बारीक काम के लिए है। हाँ इससे फिर आप वो जो बनाना चाह रहे हो उसको आप ड्रॉ कर लीजिए किसी चीज से या हाँ चारकोल से, हाँ उससे बनाना हाँ चाह ठीक है। रहे। देखिए मैंने ये तो अजीत भाई, ये आर्ट के साथ आपकी मुलाकात कैसे हुई? और या फिर मैं दूसरे शब्दों में अगर आपको पूछूं, तो आपको पैसे कैसे पता चला कि इस तरह का कोई आर्ट एग्जिस्ट करता है? ये शुरुआत ऐसी हुई कि किचन में अपन ब्रेड सेकते ही है आपको, हम लोग जब भी हाँ नाश्ता बनाना है हाँ और हाँ नाश्ता बनाते हैं ब्रेड जल जाता है, हाँ फिर जब अरे चले, और ब्रेड जब जल गया उसके बाद मैं बटर लगाने के टाइम वो जब एक आकृति बनी, तब से मेरे को लगा कि क्यों ना अपन ब्रेड से जब वो पेंटिंग तैयार हुआ जला हुआ जब आकृति बनी, हाँ तो क्यों ना अपन ब्रेड से पेंटिंग करें एक जला के, तो अलग एक पहचान होती है ना। हाँ चलो ब्रेड से जला के देखते हैं, हाँ तो फिर तब मैंने चालू हाँ किया, लेकिन वो ब्रेड ना सक्सेस नहीं हुई। मैंने बहुत सारे अच्छा ब्रेड इकट्ठे किया, उसको पूरा बनाया, ऐसे ही ओह पेस्ट बनाया, फिर मैंने उसको चिपकाया, हाँ लेकिन बरसात में ना सिल जाते हैं, हाँ
और फिर हाँ वो सिलने के बाद वो अलग अलग कलर हो गया। फिर मैंने, अरे वैसे तो अच्छा काम नहीं चला, फिर घर में काम चल रहा हाँ हाँ है ना, हाँ तो ऐसे मैंने क्यों नहीं इसको फिर एक थोड़ा सा किसी में बना के देखा, तो वो हाँ सक्सेस हो गया कि चलो क्यों ना अब इसी से बनाना चालू करें। फिर उसके बाद से मैं फिर बुरादा और प्लाई बोर्ड पे ही किया। प्लाई बोर्ड हाँ भी एक खास MM तक का लेना पड़ा, क्योंकि जब मैं हाँ बारीक लिया तो हाँ मुड़ जाता है, क्योंकि सूख जाता है ना तो हाँ प्लाई मुड़ जाता है। हाँ हाँ मुड़ने के बाद फिर वो फिर गड़बड़ होता है, तो प्लाई भी हाँ एक खास मोटाई चाहिए होगा, कम से कम 8 MM या 10 MM का आपको लेना पड़ेगा, अच्छा उस पे आप ठीक है चिपकाए। क्योंकि हम लोग जब प्लाई में फेविकॉल मिक्स करते हैं तो उसमें भी पानी होता है, और लकड़ी को जब हाँ अपना दोनों को जब जलाते हैं और करते हैं तो फिर लकड़ी मुड़ जाती है, मुड़ जाती है तो उसका अच्छा भी ध्यान रखना पड़ता है आपको। ये हाँ सब हाँ चीजें मैं हाँ धीरे धीरे, क्योंकि मैंने ये कोई आर्ट कहीं से सीखा नहीं, ये खुद का है, तो अच्छा इसलिए मुझे इसको तैयार करने में ये सब एक्सपेरिमेंट करते करते करते, किस चीज से जलाऊं किस से नहीं। पहले छोटे ओ छोटे माय गॉड लाइटर से हाँ जलाता था वो, तो अंगूठा इट जल इज जाता था रियली हाँ इट फिर। इज रियली ग्रेट टू हाँ हियर के अंगूठा आप जल ये जाता खुद से सीख रहे हो। हाँ फिर और जी। क्या क्या आपने फिर दिक्कतें किसी ने झेली। कहा कि भाई, हाँ फिर किसी ने बोला कि वो सोनार वाले काम करते हैं, हाँ चूड़ी वाले, वो हाँ ये यूज करते हो लोग। फिर मैंने हाँ ठीक है कहाँ मिलता है, फिर वो पता कराया, फिर हाँ वो उनसे बोला भाई हाँ पता करो और वो लेके आओ मेरे लिए। अरे क्या करेगा, मैंने मैंने सोना चांदी की बनाना, मेरे को तो पेंटिंग करना है, पेंटिंग करना है। ठीक उन्हें हाँ फिर ये लेके आया, फिर ये ठीक है ब्लूटूथ टॉर्च ये ऑनलाइन मिल जाता है, आप देखेंगे इस पे ठीक तड़का भी लगाते हैं, कई बार पिज्जा विज़ा भी बेक कर ले तो कई बार भी चली जाती है ओ अपन जब वो यूज कर तो आप इसको फायर हाँ हाँ ओ तो इन अ वे अजीत भाई तो आपको आपका जो पेंट ब्रश है वो आपको किचन से मिला। वी कैन से दैट जी किचन से ही मिला तो। हाँ तो अजित भाई क्यों ना आप पेंटिंग करते जाइए और हम साथ में बात करते जाए। हाँ जी आप आपका पेंटिंग शुरू कीजिए और हम साथ साथ में बातें करते हैं। इसीलिए कुछ बनाए क्या, चलिए ठीक है मैं शुरू करता हूँ। हाँ तो जैसे कि आपने अजीत भाई बताया कि आपको कुछ कुछ दिक्कतें भी झेलनी पड़ी बनाते बनाते, तो ऐसे और कौन सी लिमिटेशंस है ये पेंटिंग की या ये आर्ट वर्क की, ऐसी कौन सी मुसीबतें हैं जो आपने लाइक ये पेंटिंग आर्ट क्रिएट करते करते आपने किया। मुसीबत यह है कि पहली बात तो आग, इसको कितना रखना है क्या करना है, क्योंकि बुरादे चिपकाने के बाद तो एक बार आपने अगर जला दिया ना, ड्रॉ हो गया तो फिर वो हाँ दूसरी चीज नहीं कर सकते, तो हाँ इसके लिए मैंने भी बहुत कैनवास जला जला के खराब करा, बहुत हाँ एक्सपेरिमेंट कर करके फिर ये कहाँ तक पहुंचा। इसके लिए मुझे दो हाँ तीन साल लग गए परफेक्ट हाँ होने में। जिस तरह से हम हाँ लोग पढ़ाई भी करते हैं तो एक दिन में तो पूरा याद होता नहीं, आप भी कॉलेज हाँ वाले जाते तो 5 साल तो लगता ही है सीखने में कि कैसे कैसे कलर बनाते हैं, कैसे कैसे मिक्स होता है। हाँ भाई उसी तरह ही इस आर्ट में भी वही हुआ है कि हाँ कहाँ पर कितना जलाना है क्या क्या। हाँ तो अजीत भाई ये एक तरह का अवसर ही है कि हमें आपको लाइव फायर पेंटिंग करते हुए देखने का मौका मिला। अगर मैं अच्छे से मुझे याद है लास्ट ईयर हमारा जब जयपुर में एग्जीबिशन था तब हम मिले थे हाँ जी अपन और जयपुर उसी आए थे तब। एग्जीबिशन के हाँ उसी एग्जीबिशन के दौरान आपकी भी पेंटिंग्स हमारे साथ वॉल पे लगी हुई थी और आपने लाइव डेमो दिया था, या तो फिर मैं ऐसा कहूँ कि आपने लाइव डेमो करवाया था हम लोगों से। आपने हम लोगों को भी एक मौका दिया था ये आर्ट करने के लिए। आपने आपके जो ब्रशेज है वो हमें दिए थे और उसी ब्रशेज से हमने भी कुछ क्रिएट किया था छोटा मोटा। सो इट वॉज वेरी वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। सो अगर मैं आपको पूछू कि आपने पूरा शुरू का प्रोसीजर बताया, तो अब हमें जानना है कि आप पेंटिंग कैसे करते हो आगे का, आपका कैनवास हो जाने के बाद हाउ डू यू पेंट। कैनवास होने के बाद जैसे मैंने आपको बताया, आप किसी चीज से ड्रॉ कीजिए, कर लीजिए आप हल्का सा हाँ चारकोल से, है ना, हाँ जैसे हाँ जैसे कि आप एक नया पूरा पेंटिंग शुरू करके हाँ आपके पास जो कैनवास है आप हमें दिखा सकते हैं ना।
हाँ बात है। चलिए मैं भी एक मोटा मोटा इसमें फ्लावर बना हाँ देते हैं, क्योंकि ठीक है। बारीक चीजें लोगों को बहुत टाइम लगेगा। हाँ, तो इसमें अच्छे से दिखाई भी देगा हमें। तो ये देखो, अजित भाई, आपने चारकोल से ऑलरेडी क्रिएट करके रखा या नहीं फिर आप ये डायरेक्ट चारकोल मैं बना रहे डायरेक्ट हो? ये मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, चारकोल से वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है एक पेंटिंग बनाने में, क्योंकि बारीक काम बहुत होता है, तो इतना ना टाइम अभी दे नहीं पाएंगे ना आपको ना, और लोगों को हाँ भी बोर हो जाते हैं ज्यादातर। मैं अच्छा, लाइव डेमो जो करता हूँ ना, तो फिर वो हाँ करके ले जाता हूँ मैं। तो अजीत भाई, ज्यादातर एक पेंटिंग क्रिएट करने में, बारीक पेंटिंग क्रिएट करने में आपको कितना टाइम लगता है? मेरे को 15 से 20 दिन लगता है, अरे वाह, अच्छा और इसको भी अब आप पेंसिल की तरह चला सकते हैं, जैसे आप स्प्रे ब्रश नहीं होता है, हाँ स्प्रे ब्रश होता है उस हाँ तरह से आप चला सकते हैं। देखिए तो थोड़ा टाइम लगता है। अजीत भाई वो पेंटिंग करके हमें दिखा रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं अजीत भाई, तो हमारी जो डिटेलिंग होती है उस हिसाब से आपका हाथ कैनवास के नजदीक या दूर लेके जाते हो, राइट? हाँ जितना आप घुसते अपना काम करते ना अपन, तो उस हिसाब से हाँ आपका हाथ भी बैठ जाता है, और जिस तरह आप लोगों का ब्रश बैठ जाता है, इस तरह मेरा आग का वो बैठ जाता है। हाँ तो पेंटिंग अगर में आपको अगर कम जाता डार्कनेस कम चाहिए, तो आप कैनवास से हाँ अपना हाथ दूर रखोगे, या तो फ्लेम है, फ्लेम वो कम आंच पे रखोगे, पर ठीक है? कम आँच पे अभी, हाँ, कम और आंच पे ज्यादा होगा। जैसे आपको ये बैकग्राउंड देना है तो हाँ आप तेज आंच हाँ मारोगे। तो ये फ्लेम का जो आंच है वो बढ़ा दोगे आप। आपको दूर रहना है, ऐसे कोई हाँ कपड़े ना पहनिए जिससे आग जल्दी लग जाए। आप ठीक है, और टाइम क्या ध्यान क्या रखिए, और प्रिकॉशंस किसी होने को चाहिए? क्योंकि मैं कई बार क्या ना आग लग चुकी है, मैं जल चुका हूँ, क्योंकि जब हाँ आप तेजी से काम तो इनमें से कई बार गैस लीक कर अच्छा, तो दिस इज वन ऑफ द हैजार्डस थिंग कि आपका गैस लीक हो कर जाता है। तो और क्या क्या प्रिकॉशंस करने पड़ते हैं अजीत अजीत जी आपको, और क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, जैसे खुले में करना है या फिर किसी स्पेसिफिक मौसम में करना है? हाँ नहीं ये बता दूं कि तो बहुत रोशनी में काम मत कीजिएगा, बाहर खुले हाँ में, और आज जो कई कपड़े वपड़े ना हो, पर्दे वर्दे, कई बार हाँ क्या होता है अपनी तेज रोशनी में फ्लेम दिखता नहीं है, और कई हाँ बार लगता है कि हमने गैस बंद कर दिया, खुला रहेगा, गैस फैल गया और अपने टॉर्च डला एकदम से आग लग गई। तो हाँ उसके हाँ लिए आप सबसे पहले आग जाने के साधन जरूर रखिएगा अपने पास, सही जैसे बात मैं है। भी रखता हूँ, छोटी छोटी चीजें मिल जाती है मार्केट में अवेलेबल है, हाँ इससे पहले कि ज्यादा आप पहले कंट्रोल कर ले, अच्छा, है ना? तो अपना हाँ सुरक्षा सही अपन बात लोग है, उस टाइम कोई बचाने के लिए तो आ नहीं पाएंगे। हाँ सही बात है, तो प्रिकॉशंस भी रखना जरूरी है। सो पीपल, जब हम यहाँ ये फायर से पेंटिंग बनाते हैं, ज्यादा रोशनी में नहीं बनाना है, ताकि आप फ्लेम को देख सको, जिस फ्लेम से आप पेंटिंग क्रिएट कर रहे हो। ना हाँ यही मैं ज्यादा हाँ देखिए, ज्यादा रोशनी के साथ अब फ्लेम नहीं दिख रहा, हाँ हाँ दिख रहा आपको? और ये देखिए अब दिख रहा है, तो हाँ बस सही ये सब बात है, गलतियां क्योंकि खुद जला पता नहीं हाँ चलता कई बार। अब देखिए डार्क सही बात कलर है, आप इसको हाँ। रख लेते, ये बैकग्राउंड हो तो गया। देख, बैकग्राउंड करने के लिए ज्यादा फ्लेम पे अजीत जी काम कर रहे हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में डिटेलिंग कम होता है और डार्क शेड ज्यादा यूज कर रहे हैं। हाँ एक जगह रुकना नहीं है आपको, रुका तो फिर बहुत ज्यादा वहां काला हो हाँ जाएगा। ओके, हमने आउटलाइन पहले छोटे से कर दिया था, अब हाँ क्योंकि बार बार हाँ तो अजीत जी, आप ये सिर्फ एक ये टॉर्च से ही करते हैं या फिर कोई और भी आप यूज करते हो, जैसे कि मैच बॉक्स है या फिर कैंडल्स है
ये सारी चीजें भी यूज करते हो या फिर ये सिर्फ यही टॉर्च से करते हो? नहीं, मैं चिमनी भी यूज करता हूँ। अच्छा पुराने जमाने में चिमनी होता था ना, जो आप हाँ देखे होंगे कि पहले वो होता हाँ था, हाँ चिमनी ऊपर रखा हुआ, लेकिन हाँ ऊपर एक चिमनी रखा। अभी आपको दिखाता हूँ लेके आया। हाँ ठीक है जी तो जी वो क्या, अभी जैसे बहुत डार्क करना है आपको, तो उसको धुआं से हाँ आप उसको पहले पूरा काला कर लीजिएगा, हाँ 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 उससे फिर आप नई चीजें ले सकते हैं। आपको मैंने एक हाँ फोटो भेजा होगा, आपने वो हाँ जो पोस्टर में एक बिल्ली की आंख बनाई थी ना मैंने, तो हाँ 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 बिल्ली की आंख बनाई हुई है आपने? वो पूरा चिमनी है ना। हाँ रुको रुको, आपको दिखाता हूँ। हाँ अच्छा, ये जो पुराने जमाने में आता था चिमनी, ये वाला? ये भी बहुत मुश्किल हाँ थे। अब मुझे पूरा काला करना हाँ है, तो आप हाँ ऐसे उसको पूरा जमा कर सकते हैं। आप इसमें अलग अलग चीजें भी अच्छा ऐड कर सकते हाँ हाँ तो अकॉर्डिंग टू द फ्लेम, अगर ज्यादा आपको शेड हैं। चाहिए तो आप ज्यादा फ्लेम यूज करोगे, अगर कम आपको शेड चाहिए कम फ्लेम यूज करोगे। कैनवास के नजदीक लेके जाओगे अपना हाथ या कैनवास से दूर लेके जाओगे, अकॉर्डिंग टू योर नेसेसिटी आप आपकी हाथ की मूवमेंट चेंज करोगे। एंड यू विल यूज दिस हाँ टॉर्च एज अ पेंसिल ओनली, राइट? एक पेंसिल के जैसे ही आप पकड़ के कर सकते हो। तो इस अरे तरह से वाह, आप पूरा ब्लैक कर, काला होना। हाँ अच्छा, तो ये भी आप एक सिर्फ फायर आर्ट होता एनिमल्स? हाँ, है। मैं ज्यादातर एनिमल बनाता हूँ, अभी मेरे पास यहाँ है नहीं, सब पैक रखा हुआ है, हाँ तो जरूर दिखाता। अच्छा, तो ये ये फायर पूरा आर्ट और करो आपके एनिमल्स के सामने। नहीं, अलावा कोई और आर्ट में भी आप ट्राई करते हो अजीत जी, या फिर सिर्फ ये फायर आर्ट में ही करते हो आप? पोर्ट्रेट भी बनाया। अभी मैं हाल ही में एक एक्टर आया था हमारे, लाइव देखा, बहुत उनको अच्छा लगा। उन्होंने अपने पेज में भी फिर डिस्प्ले किया कि वो हाँ हेलो फायर से पोर्ट्रेट भी बनाते हैं। जैसे अभी मैंने, हाँ और आप ये देख सकते हैं, मैंने बुद्धा की पेंटिंग बना रखी है। ये कैनवास हाँ में हाँ मैंने एक्सपेरिमेंट करा कि इस बार कलर भी हाँ आया। हाँ पहले अपन जयपुर में आए थे, सबसे कलर आया था। हाँ हाँ तो मैंने ये अपने ज्यादातर आप परिवार तक एक्रेलिक को यूज करते कोशिश, हो ना? हाँ कलर, आप इसमें कलर के लिए भी सब कलर आप इसमें यूज नहीं कर सकते, तो या तो चॉक यूज कीजिए या तो ऑयल पेस्ट, अच्छा, ऑयल पेस्टल्स उसमें या तो वही इस चॉक पे चल। कलर्स इसमें यूज करें? हाँ जी हाँ, उसके बाद फिर वो फिक्स आता है, अपन जो फिक्स अजीत करते भाई, हैं बीच में उसके लिए आपकी चल रहा है। आवाज कट रही है, बीच बीच में आपकी आवाज कट रही है। हाँ शायद नेट की प्रॉब्लम हो गई। हाँ इंटरनेट की इश्यू है शायद से, ठीक है कोई नहीं। हाँ आप कुछ बता रहे थे कलर्स के बारे में बता रहे थे। पूरा मैंने उससे करा हुआ है, ड्राई पेस्टल हाँ से। ये बुद्धा ने पूरा ड्राई पेस्टल से बनाया, और ये पहले अच्छा फायर किया, उनको जला के ऊपर ये कलर लगाया मैंने। हाँ अच्छा, तो ये आपका बहुत एक्साइटिंग आर्ट है अजीत जी। कभी ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी या कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ है आपके इस आर्ट को लेकर? आपका ये जो आर्ट है,
बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है, एक नए तरीके का आर्ट है। तो ये आर्ट को लेके कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ हो या फिर कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई हो? हाँ, स्टोरी बहुत हुई है मेरे इस आर्ट को लेके जब से मैं कर रहा हूँ, हाँ क्योंकि मैं प्रशासन वालों ने एक डॉक्यूमेंट्री बना लिए फायर आर्ट, हाँ हाँ और फायर आर्ट के ऊपर भी लाइट रिमूव किया है। आर्ट सबमिट हाँ में टॉप बहुत अच्छे अच्छी थी हुई, जब से मैं अलग और यूनिक होता तो ज्यादातर लोगों को लाइव देखने में मजा आता। तो जैसे हाँ वहां बोले नहीं इस पे स्टोरी बनाया जाए, फिर हाँ उन्होंने मेरी पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई। ये मेरे लिए यादगार है कि दूरदर्शन वालों ने खुद ने आके मेरे डॉक्यूमेंट्री बनाई। इट इज वेरी ग्रेट अजीत जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। तो अगर हम आपके अचीवमेंट की बात करें तो और क्या क्या बचपन से अचीवमेंट है काफी आपके, दिन शूट कर, और क्या क्या अचीवमेंट है आपके? देखिए बॉलीवुड एक्टर भी काफी, उन्होंने मेरे लाइव देखे, मकर देश पांडे, संजीव श्रीवास्तव जो डायरेक्टर है, और हाल ही में मैंने गिफ्ट किया पेंटिंग फायर पोर्ट्रेट बना के सुमित व्यास जी का हाँ लाइव। इस तरह से चीजें बढ़ रही है, जैसे अभी ये बुद्धा बनाया मैंने, तो एक्सपेरिमेंट करता हाँ तो जानवरों की बना रहा हूँ। जैसे अब जैसे यहाँ पर जयपुर में एक टाइगर फेस्टिवल था हमारे यहाँ, तो मैंने पढ़ा फोटो भेजो, तो बोले हाँ भाई हम हमको टाइगर, मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरे टाइगर का कोई फोटो नहीं है, जंगल हाँ वाले चिड़ियाघर वाले चलेगा क्या? कहते नहीं। मैंने कहा कि मैंने तो पेंटिंग का मन लगो, तो उन्होंने बोला, मैंने हाँ अपने फिर वीडियो भेजे उनको कुछ और फोटोज भेजे, नहीं ये मेरा हाँ काम है, तो हाँ बोलते नहीं आपका सिलेक्ट कर देंगे और हमारे पेज में जरूर चलाएंगे क्योंकि आपका यूनिक है, इसलिए हाँ कर दिए, नहीं तो आर्टिस्टों का हाँ एंट्री नहीं है उसमें। तो ये मेरे लिए बहुत हाँ बड़ा है कि मैं नहीं होने वाले में भी शामिल हो जाता। सही है। पर ये एक तरह का अचीवमेंट ही है अजीत जी। हाँ जी, यही मैं करूँ, एक हाँ तरह का ही है। हाँ अचीवमेंट ही है। हाँ अजीत जी, हम आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। आपने हमें सारी प्रोसीजर समझाई कि आर्ट के लिए कैनवास को कैसे प्रिपेयर करते हैं, वर्क कैसे करते हैं, पर आपका जो वर्क खत्म होता है उसके बाद आप आपके काम को सील कैसे करते हैं? जैसे कि कोई ऊपर एक लेयर वार्निश का या ऐसा कोई लेयर लगाते हो, कैसे फिनिशिंग वही कैसे मैं करते हो बता आपके पेंटिंग की? रहा था, हाँ वार्निश करना है आपको, दो तीन बार स्प्रे करना रुक रुक, तो फिर हाँ वो फिर खराब नहीं। अच्छा और इसमें जो चिपकाते हैं अपन, तो आप वही है कि आप वार्निश कर लीजिए दो तीन बार, और इतनी खूबसूरत ही फिर सालों साल रहती है। हाँ वो तो है। तो अजीत जी, ये आर्ट, आपकी ये जो पूरी आर्ट जर्नी है, आपके आप एज ए आर्टिस्ट काम कर रहे हो, आपका पूरा जो आर्ट का, आपका जो क्रिएटिविटी का जो एक फील्ड है वो बहुत ही डिफरेंट है, जो आपने खुद फाइंड आउट किया है, ठीक है, किचन से लेके आप उसको कैनवास तक लेके गए हो। तो ये जो पूरी आपकी आर्ट जर्नी है उसका सबसे अच्छा पार्ट आपको क्या लगता है? आपको क्यों पसंद है आपकी आर्ट जर्नी, आर्ट ये क्यों पसंद है आप जो भी आर्ट कर रहे हो? ये पसंद है, एक तो देखो, एक हर अपना चाहता है कि उनका किस नाम से जाना जाए, वो अपने काम से हाँ जाना जाता है, कई नाम देखिएगा हाँ आप, चाहे एमएसएम का हाँ देख लीजिए, चाहे कोई भी एक हाँ नाम है, रविशंकर हाँ जी के देखिए, इन लोगों के काम जो करते हैं ना, और उस काम से जो जाना हाँ जाता है, तो काम से उनका हाँ नाम जाना जाता है, ताकि आर्टिस्ट सही को बात जानते है। कि कौन है। आज की तारीख में अगर कोई बच्चा हाँ बोलेंगे बोला रही है अमीर हुसैन जी का पेंटिंग है, देख लो ऐसे किस तरह से घड़ी बनाते और घोड़े वगैरह बनाते हाँ हैं। मैं हाँ अपने आप को इतने हाईलाइट किया और इतना करा कि मैं भी वही कर रहा हूँ कि इतना फैला लो अपने काम को कि लोग आपको काम से जाना जाए, कहीं आप ये पेंटिंग आप भी बनाओगे ना तो भी आप लोगों को ये तो अजीत की जैसे पेंटिंग है ना,
इस हाँ तरह सही से बात अगर है। किसी ये है हाँ हाँ तो यही है कि पहचान बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, और यही सही मैं बात चाहता है। हूँ कि इस नयापन लेके आया। मैं ऐसे भी कलर से मुझे एलर्जी है पहली बार, तो अच्छा आपको बता तो रहा हूँ इसके, तो पहले हाँ नहीं तो तो मैं सर फायर आर्टिस्ट ये थोड़ी बनता गलत। सही बात है। तो मतलब फायर आर्ट के अलावा आप और कोई आर्ट नहीं करते हो सर, आप सिर्फ फायर आर्ट पे फोकस करते हो, राइट? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी करता हूँ, मैं एनिमल लवर हूँ, हाँ तो इस तरह तक तो मुझे टाइगर और तेंदुआ वगैरह बहुत पसंद है, और मैं उनके उनपे ज्यादा काम करता हूँ। हाँ सर, आपके ज्यादातर जो आर्ट वर्क है वो सारे के सारे वाइल्ड एनिमल्स पे है, मैंने देखा है, वाइल्ड कैट्स है या फिर टाइगर है, उन सब पे है। सही बात है सर जी मैं आपका। उनपे ज्यादा काम और उनपे ही हाँ शूट भी करता है, हाँ टाइगर तो और अजय जी, आगे उनकी। फ्यूचर में कुछ प्लान है कि ये टाइगर सेलिब्रिटीज के अलावा कुछ और भी आपको फाइंड आउट करना है, या फिर कुछ और भी फायर में कुछ नया क्रिएशन करना है, कुछ है आपका प्लानिंग? नहीं तो मैं अभी भी करता रहता हूँ, जैसे कि अब नेक्स्ट करने वाला हूँ मैं अभी ये अपने हेरिटेज महल है ये सब, क्योंकि पिंक पिंक सूट हाँ पे और वो क्या फायर पे बहुत अच्छा लगेगा, पर ये कि हाँ उसको डिटेल देने बहुत बड़े बड़े कैनवास बनाने पड़ेगा, कम से कम 6 फुट से लेकर 8 फीट तक, तभी उन पे मजा ओ आएगा, क्योंकि पेंसिल दैट इज गुड। अभी आ नहीं रहे, क्योंकि एक एक लाइन आप कोई भी जैसे अपन ब्रश भी लेते हैं बारीक काम के लिए, आप 0 0 और हाँ इस तरह से ब्रश होंगे, इस तरह से हाँ आर्ट वाले फ्लेम वाले भी मेरे पास था जो अभी खराब हो गया, उस बारीक काम करने वाला, तो मुझे बहुत दिक्कत है, अब हाँ बंद है सब कुछ, बाहर जा नहीं सकता, पहले मैं हाँ यूएस से मंगवाया सारे सामान, अब वो आई हाँ नहीं, हाँ इसलिए छोटे नहीं ला सकते इस हाँ तरह, पर काम करने तो घर वालों को भी बहुत सपोर्ट होता है, जब उन जैसे सही हमारे बात घर वालों को क्या क्या करता रहता है, तो फिर वो है। उस हिसाब से फिर वो भैया सामान मंगवा देते थे, इसलिए हर हाँ ये भी कि पीछे तो एक तो घर वालों को भी सपोर्ट होना चाहिए, और मान लीजिए सही कि बात फायर है। के टाइम एक्सीडेंट हो गया और वो सावधानी आपने हाँ नहीं रखी, तो ऐसे बंद करो ऐसे फालतू चीजें, पर सही लेकिन अब बात है। उन्होंने भी सपोर्ट सारा सामान ला के दिए, चलो आग बुझाने का सामान ले तो जल ना जाए, ये मैं कह रहा हूँ हाँ कि जब भी चीजें ये काम करो तो एक तो घर के आजू बाजू आप कमरे में ऐसा कमरा खाली रहे आपका, कि सही बात है। आग वाली चीजें ना फूकें, सावधानी ही हाँ रखनी है, और बहुत तेज रोशनी नहीं हो, बाहर उजाले में मत हाँ कीजिए, ये हवा में भी नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ हवा सही से बात है। अगर उड़ता है तो आप जो चीजें बनाना चाह रहे हो उड़ जाता है। जी हाँ मैं सही बात है। अच्छा साल लग गया एक्सपेरिमेंट करते करते, अपनी गलतियां और सुधार करते करते करते, तब जाके अभी तक यहाँ पहुंचा। हाँ सही बात है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत ही क्रिएटिव आर्ट जर्नी रही है आपकी। तो इतना अच्छा आप आर्ट क्रिएट करते हो, तो फिर अपने व्यूअर्स तक आर्ट और दूसरे आर्टिस्ट तक, या तो फिर कलेक्टर्स तक, जो आर्ट कलेक्टर्स होते हैं उन तक कैसे पहुंचता है आपका आर्ट, आपकी जो क्रिएटिविटी है सब तक आप कैसे स्प्रेड करते हो? वो इससे पहुंचते देखिए आपके मीडिया कवरेज होता है, कई बार जैसे आज आपने कर लिया मुखौटे की तरफ से आया मैं लाइव, अब ये हाँ है बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना, तो इस तरह से हाँ लोग सब नजर रखते ही है, इस हाँ तरह से आगे बढ़ते जैसे कि आप जयपुर आए आपके मुखौटे की तरफ, मैंने आपके तरफ पेज की तरफ और आपके शो में मैंने हाँ लाइव डेमो दिया, उसमें क्या हाँ आपके भी उन लोग आए, इस तरह से फैलता है, हाँ तो यही सही बात है है। जब वो काम करते ज्यादा हो सके आप सब जगह अपना काम दिखाओ, अपना डिस्प्ले करो और जुड़ो लोगों हाँ से, अलग अलग संस्था से जुड़ो, तो इस तरह तो फिर तभी हाँ आगे बढ़ेंगे, समय नहीं आया ना, इसके लिए मैंने बहुत हाँ सारे शो करे, जैसे आप जयपुर आपने बुलाया है, मुंबई हाँ भी बुलाया है, तो हाँ रहेंगे और लोगों को पता रहेगा तो लेंगे, सही सही बात है अजीत और जी। हर कोई तो यही अजीत, चीज करो। हाँ हाँ सही बात है। तो अजय जी, यह बात आपने बहुत सही कही, हर एक आर्टिस्ट को जितना ज्यादा काम करेगा उतना ही ज्यादा उसका क्रिएटिविटी का स्प्रेड होगा, और कुछ ज्यादा ट्राई नहीं करना है, बस जो आप लोगों काम कर रहे हो आप उसमें इम्प्रूव करते रहो, ज्यादा से ज्यादा आपका आर्ट क्रिएट करते रहो।
राइट तो अजित जी, आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। और जितने और आपने ये आर्ट जब डेवलप किया, तब आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? दैट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम आवर व्यूअर। व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है, ये आर्ट आपने डेवलप किया, तब आपने क्या क्या चैलेंज फेस किए? ये क्या, देखो मैं पहले पहले बहुत सारे कैनवास मैंने खराब करते गया, क्योंकि मान नहीं रहा था कि शुरू में दिक्कत, पहले मैं कुछ और प्लाई ले लेता तो मुड़ जाता था, कभी क्या होता था मुझे लाल बार जल जाता था, तो इससे मोटाई लाना पड़ता है बहुत, इसके लिए बहुत सारे मनी भी पड़ता है, पैसे भी बहुत लगते हैं, हर चीज सस्ती चीजें तो है नहीं, तो फिर घर वालों के, इसके लिए मैंने कहा ना घर वालों के फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है, कोई भी चीज कर रहे हो इस तरह से, इसलिए आधे आर्टिस्ट लिंक क्या करते हैं क्योंकि उनके पास मनी नहीं होता है, कई बार पैसे प्रॉब्लम आ जाते हैं, ये तो सही हो सका बात है। है। और दूसरी बात, टाइम पे कोई चीजें, जैसे मैं आज शुरू किया इस काम को, आप जितने लोगों के सामने लाएंगे, लोगों के तो ही आप बढ़ाओगे, क्योंकि आज अगर मैं छुपा के रखता चली गई तो थोड़ी आज आप मुझे बुलाते कि भाई ऐसे भी कोई आर्ट है ना, अपने आप को आप तो बाहर लाओगे लोगों के सामने, अपने काम को जितना लाइव आप आ सकते हो ना लोगों के सामने, उतना जल्दी आप फैलाओगे। आज आज मुकुट ने मुझे बुलाया, मैंने आज उनके लाइव देखा, हजारों लोग देख रहे होंगे, तो ये हाँ मेरे सही लिए भी बात बहुत है। अच्छी बात है, हजार लोग जाने, और यही मैं अगर नहीं आ हाँ पाता तो नहीं जान हाँ पाते, आज अगर एग्जैक्टली गुजरात सही जा, बात है, ये चीज सही है, बात है, तो जितना आप सही बात है। एक्सपोर्ट उतना ही आप जल्दी बाहर आओ, तो मैंने इसलिए अपने इतना ज्यादा कर लिया, कर रहा हूं अभी शुरुआत है, तो अभी और पता नहीं कौन कौन से दरवाजे आज मैं सामने आपके, आप 10 लोगों को बताएंगे, वो भी दूसरे लोगों को बताएंगे, इस तरह से फैलता है आज। सही बात है, सही बात है, बहुत सही बात है। आपकी क्रिएटिविटी आपको आपके कैनवास में जो भी आपने उतारी है, उसको आपको रूम में नहीं बंद करके नहीं रखना है। आप जितना ज्यादा स्प्रेड करोगे, जितना ज्यादा सबको दिखाओगे, उतना ज्यादा स्प्रेड होगा। दैट इज वेरी ट्रू, ट्रूली सेड। तो इसी बात को लेके एक और भी पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे हम, कि आपने जैसे बताया कि शुरू शुरू में आपने बहुत सारे जो कैनवास है आपने वेस्ट किए, ठीक है, बहुत सारे कैनवास पे आपने ट्राई किया, आपका पेंटिंग अच्छे से नहीं हुआ, आपने वो फेंक दिया और फिर से नया कैनवास लेके किया। तो दिस इज थिंग ऑफ परसिस्टेंसी, कि आपने कंटिन्यूस काम किया। तो क्या डिसाइड काम करता किया, है कि एक आर्टिस्ट सक्सेस होगा है या फेलियर है? सक्सेस तो हाउ वही डू भी डिसाइड? आप पहले, मैं बता रहा हूं, आप सबसे पहले जब तक कि सामने वालों को पता नहीं चलेगा, वही तो आप सबके पेंटिंग देखेंगे और करेंगे, वही तो मैं कह रहा हूं कि जब जितना आप अपने आप को फैलाओगे, अरे वाह अच्छा लगा, तभी तो लेंगे, आप हाँ, इकट्ठे नहीं करें सही ना, बात है। ये मैं कह रहा हूं, आप अपने काम को, आप चलो आप पेंटिंग करते हो और आपकी सोच है, आप क्या बता रहे हो, तो सामने वालों को पसंद ये काम आ रहा नहीं, वो ये दिखाओ तो एक बार आप लोगों को, वो आप कर रहे हो तो फिर आप, फिर हौसला बढ़ेगा आपका, हाँ सही फिर बात आप है। काम करोगे। मैंने अभी किसी ने वो ऐसे काम देखे, और सबसे पहले अपने जानकार वाले भी आपको हौसला बढ़ाना चाहिए, बहुत से शुरू शुरू में सही वो बात वही है। आपके काम देख जानते हैं, तो हाँ सपोर्ट बढ़ता है, जैसे हमारे कोई जानकार है, जैसे उनके एक ऑफिस बनाया, बोलते अरे भाई चलो तुम्हारा काम अच्छा है कि इस ऑफिस बनाओ, मैंने पूरा ऑफिस जला के 5 लाख से पूरा वो ऑफिस बनाया, तो अब उस ऑफिस में कितने लोग आ रहे हैं, कितने वायस आए उन, तो हाँ इस तरह से कॉन्टेक्ट बढ़ते रहेंगे, वही मैं कह रहा हूँ, आप हाँ काम जितना दिखाओगे, जितना आर्ट शो में जाओगे, आप लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करोगे, हाँ हर उतना ही। शहर में हो उतना ही आपको मिलेगा बढ़ावा, और उस तरह से आप सही फिर बात, बाहर आओगे, इस तरह से फिर सही। जानते कि आप क्या हो, जान जाओगे कि ये आदमी क्या काम करता है, क्या उसका किस चीज में एक्सपर्ट है, कोई चारकोल में सही है, बात कोई है, सही बात है। तो अजीत भाई, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से भी। जैसे आपने अभी बताया कि आप टॉर्च लेके पेंटिंग करते हो, फ्लेम का यूज करके, बट ऑन द अदर साइड आपका पेंटिंग खत्म होने के बाद आप वार्निश यूज करते हो। तो ये एक डेडली सम कॉम्बिनेशन हो गया वार्निश एंड फायर का।
तो आप आपका जो पूरा का पूरा आपका आर्ट सप्लाई है वो कैसे आप मेंटेन रखते हो कि फायर के साथ आपका वार्निश नहीं होना चाहिए? वार्निश नहीं होना चाहिए तो फिर वो हो मतलब जाता है ना उस पे वार्निश जबकि एक एक आप कांच लगा दिए एक तरह से, तो हर कोई हाँ पेंटिंग जैसे यहाँ नहीं करा और ऐसे छुपे क्या हाँ बारी, तो इतनी आसानी खराब नहीं होता है। हाँ तो ये जो चीजें हैं 10 उसके बाद आप उसको किसी चीज से झड़ जाएगा, नहीं तो वो खराब नहीं हाँ होता। तो सब चीजें हाँ ये तब फिर आप दूसरों को देंगे ना, सही सामने बात तुमने है। पहले आप पूरा एक पेंटिंग पे रिसर्च करते हो आपने, अरे ये हो गया तो किसी ने खराब कर दिया, ये क्यों हुआ, फिर मैं अब इसको सुधार कैसे करूं, तो ये करते करते आ जाता है। आप नई चीज कर रहे इसलिए मुझे इतना टाइम लगा, आज मैं आकर किसी को बोल दूंगा तो आधे घंटे में चीजें सीख लेगा, बनाना हाँ सही तो बात टाइम है। लगेगा खैर उसको, क्योंकि आग जलाने से आसान। और मैं लोगों से यही कहूंगा कि भाई पहले सावधानी बरते और पूछ ले मेरे से, और बच्चों के सामने बिल्कुल मत करना कभी भी ये काम है, और ना और इसलिए सही मैं कभी बात है। बच्चों को नहीं सिखा किया था कि हाँ मेरे मैं जो भी काम करूँ वजन नहीं होनी चाहिए, वो भी खास लिमिट तक के बच्चे होने चाहिए, क्योंकि देखो बच्चे हाँ फॉरन वो लाइटर वेटर जला लेंगे। तो हाँ मैं जो भी डेमो देता हूँ मैंने चारों तरफ से आवाज नहीं आनी चाहिए, हाँ सही कर नहीं बात करता। है। और आपको क्या वो आप ही दूर करोगे ना फिर सही बात है। ऐसा। हाँ तो हमारे ये यूजर ने एक और क्वेश्चन पूछा तो है, एक और हाँ क्वेश्चन भाई हमारे लिए आया है। व्हाट काइंड ऑफ वुड डू यू यूज? आप जो कैनवास के लिए वुड यूज करते हो वो क्या है, कौन से काइंड का वुड यूज करते हो आप? बोर्ड प्लाईवुड, प्लाईवुड है। और अच्छा ये 8 mm, हाँ प्लाईवुड। इसमें ज्यादा वोट डालने पर बहुत भारी हो जाता है, बोर्ड की मोटाई ठीक है। जैसे ये देखिए आप, ये 8 mm करता हूँ, ये परसेंट है ना, बहुत भारी ना बहुत हल्का, अच्छा फिर वो जब आप फेविकॉल सूखता है और जब जाता है तो ऐसे सूख जाता है तो वो हो जाता है मुड़ जाता है, तो फ्रेम वाले को दिक्कत। अच्छा फिर जैसे मैं फ्रेम करूँ तो दिक्कत, घर भी फ्रेम करने लगे हाँ थे, पूरा लकड़ी का अच्छा फ्रेम घर में ही, तो बुलाते मैं फ्रेम अच्छा घर पे करवाया सारा, अच्छा तो बहुत भारी है ये ठीक है। पेंटिंग लाइट और वो हाँ दिक्कत बहुत भारी हो जाती है, इसलिए कांच नहीं बहुत लगा भारी हो सकते जाता है। ऐसे, सही बहुत बात। दिक्कत हाँ हाँ सही बात है। से है, तो पेंटिंग खराब हो जाए, स्क्रेच किया और पेंटिंग खराब, ऐसे जाएंगे। तो आप कुछ करे तो एक बार आपको या मेरे से कांटेक्ट जरूर कर ले भाई, कि आप क्या करो अपने आप को जलाना मत, पहले आग बुझाने के साथ अपने सही। पास आस पास बुझाने का जरूर हाँ रखा करें। हाँ यस सही बात है, सही बात है। तो अजित जी, ये बहुत ही अच्छा आपने पूरा एक क्रिएटिव आर्ट का हमें एक्साइटिंग एक इन्फॉर्मेशन दिया। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने बोला है बहुत फैबुलस आर्ट है, अमेजिंग आर्ट है, बहुत ही अच्छा उनको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन मिला है। सो दिस इज काइंड ऑफ वेरी नाइस टू हैव यू हियर विथ अस ऑन मुखौटे आर्टिस्ट स्टूडियो। आपने मुखौटे आर्टिस्ट स्टूडियो में आके अपने आर्ट के बारे में जो इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया, इतनी सारी बातें बताई, हम आपने कैनवास पे एकदम तुरंत ही हमें एक बना के दिखाया कैसे बनाते हो आप, पूरा लाइव डेमो दिया। तो उसके लिए मैं बहुत ही थैंक यू कहना चाहूंगी, आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर टूडे अजीत भाई। हाँ थैंक यू। आप मुकोटे वालों जो आपने मुझे बुलाया और लाइव डेमो का वो रखा सेशन, और इससे मुझे और बहुत सारे लोग जान गया है, तो ये सही इसीलिए बात अपने है। तो आप को आप ही मार्ग।
नदी आप ही ने कहा कि अगर आपको आपका नदी आर्ट स्प्रेड करना है तो सबके साथ मिलके करना पड़ेगा, तो आपका जी इतना हाँ अच्छा क्रिएटिव आर्ट है तो डेफिनेटली यू हैव टू बी हियर ऑन मुखौटे विथ अस। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया। सो गाइस टुडे वी हैड अजीत जी विथ अस, ही इज फ्रॉम जयपुर। वो फायर आर्ट करते हैं, प्लाईवुड पे टॉर्च लेके, फायर का टॉर्च लेके वो खुद एक क्रिएट करते हैं। उनकी आर्ट जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ब्रेड से शुरू किया था, किचन से लेके वो कैनवास तक पहुंचे हैं। सो इट वॉज वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग सेशन टूडे अजीत जी, थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू गाइज, जिन लोगों ने यहाँ पे जुड़ के हमारे साथ एंजॉय किया। आप सब आर्टिस्ट को भी थैंक यू सो मच कि आपने हमें सपोर्ट किया और अजीत जी का आर्ट देखा। अजीत जी का जो आर्ट है उसको आप लोगों ने इतना सराहा, इतना अप्रिशिएट किया, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। सो आई होप ऐसे और भी एवरी सैटरडे हम क्रिएटिव आर्टिस्ट आपके लिए लेके आएंगे, बहुत सारा डिफरेंट क्रिएटिव आर्ट आपके लिए लेके आएंगे। सो ज्वाइन अस ऑन एवरी सैटरडे एट 5 PM। अदर देन दैट, मुखौटे में बहुत सारे और भी क्रिएटिव एक्टिविटीज हो रहा है। हमारा डेली चैलेंज हो रहा है। हमारे डेली चैलेंज में एवरी डे हम एक आर्टिस्ट को हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फीचर करते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए प्लीज हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम में DM करें। हमारा एक एग्जीबिशन आ रहा है जो जनवरी में है, उद्गम, उसका रजिस्ट्रेशन भी अभी चल रहा है। तो उसमें रजिस्टर करने के लिए मुखौटे का जो जीमेल है उसमें हमें आपका सारा इन्फॉर्मेशन सेंड कीजिए। सारी डिटेल्स जानने के लिए मुखौटे के FB पेज में से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम में DM करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और उसके अलावा हम फ्यूचर में और भी वर्कशॉप्स आपके लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अभी बीच में एक सर्वे किया था, अकॉर्डिंग टू द सर्वे आप लोगों को वाटर कलर और आर्ट स्केचिंग में आपको चाहिए, तो वो सारे वर्कशॉप का डिटेल आपको कल तक मिल जाएगा। सो गाइज प्लीज ज्वाइन इन ऑल अवर एक्टिविटी। हमारी एक्टिविटी का इंफॉर्मेशन लेने के लिए और हमारी एक्टिविटी में जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। हमारा ये जो लाइव सेशन है वो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन टुडे फॉर ज्वाइनिंग अस योर लाइव। थैंक यू सो मच अजीत भाई, थैंक यू टू आवर व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।